जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार, जय सीताराम। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन राशियों के बारे में जो नए साल में मालामाल होने वाली हैं, जो काफ़ी भाग्यशाली रहेंगी और उन पर बेशुमार पैसा बरसेगा और तरक्की के मार्ग खुलेंगे। मित्रों, नया साल यानी साल 2023 शुरू होने में मात्र एक महीना शेष रह गया है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि नया साल उसके लिए खुशियां लेकर आए। आने वाले साल को बीते वर्ष की तुलना में बेहतर बनाने के लिए लोग मेहनत भी करते हैं। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल कौंधना लाजिमी है कि आने वाला नया साल उनके लिए क्या बेहतर लाएगा। साल 2023 किन राशियों के लिए शुभ रहेगा और किन के लिए अशुभ रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो हर साल उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो साल 2023 में चार ऐसी राशियां हैं जिनके लिए साल 2023 बेहद शुभ माना जा रहा है। मित्रों, उनकी आर्थिक स्थिति ना सिर्फ सुधरेगी बल्कि उनके पास आय के कई स्रोत मिलेंगे और उन्हें तरक्की भी मिलेगी। आइए जानते हैं साल 2023 किन राशि वालों के लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जय सीताराम अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर बार की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करें। मित्रों, आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और जानकारी से भरी वीडियो को बनाने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों की। तो सिंह राशि की गोचर कुंडली में शनि देव वर्ष की शुरुआत में आपके छठे भाव में होंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 को वे आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, जहां उन्हें अपार शक्ति प्राप्त होगी। वह बहुत ताकत हासिल करेगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में आपकी सहायता करेगा। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष सफल रहेगा। सूर्य की कृपा से नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और यह आपके लिए शानदार भाग्य लेकर आएगा। एकादश भाव में सूर्य की स्थिति के कारण आपके प्रयास आपको महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। सप्तम भाव में शनि के गोचर के प्रभाव से व्यावसायिक लाभ में वृद्धि होगी और बृहस्पति के नवम भाव में गोचर करने पर आपको सुधार दिखाई देने लगेंगे। मित्रों, सरकारी क्षेत्र में काम करने की आदर्श अवधि अप्रैल जून के बीच होगी, जब इस बात की अच्छी संभावना होगी कि आप अपनी वर्तमान नौकरी में पैसा कमाएंगे। मित्रों, अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तो तुला राशि के तहत जन्म लेने वालों का एक सफल वर्ष होगा। जनवरी में जब शनि आपके पंचम भाव से गोचर करेगा और आपके सप्तम और एकादश भावों पर दृष्टि डालेगा तो ये आपके धन के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। मित्रों, इस वर्ष शनि आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि आप कोई आर्थिक जोखिम उठाना चाहते हैं तो वर्ष का उत्तरार्ध उसके लिए लाभप्रद रहेगा। मित्रों, वहीं बात करें वृश्चिक राशि वाले जातकों की। तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस पूरे वर्ष अपने व्यक्तिगत वित्त को संतुलन रखने के लिए विशेष रूप से कड़ी मेहनत करनी होगी। आपकी आय में वृद्धि होगी लेकिन खर्चे साल भर समान रहेंगे। नवंबर और दिसंबर में पहुंचने पर आपको थोड़ी राहत महसूस होगी। परिणाम स्वरूप आपको पूरे वर्ष अपने वित्त को संतुलित रखने के लिए काम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आय अच्छी होगी लेकिन यदि आप चीज़ों को संतुलित नहीं रख सकते हैं तो सारा पैसा खर्च हो जाएगा। मित्रों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। तो कुंभ राशि के जातकों को इस वर्ष वित्तीय उतार चढ़ाव का अनुभव होगा। जनवरी में सूर्य भी आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान खर्च में वृद्धि के स्पष्ट संकेत होंगे, लेकिन दूसरे भाव में बृहस्पति के कारण आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल होगी और आप अपने वित्त को नियंत्रण में रखने में सक्षम होंगे। मित्रों, स्थितियों में सुधार होगा और शनि के आपकी राशि में गोचर करने के बाद आप अपने धन को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में सक्षम होंगे। इस वर्ष आपके पास विभिन्न प्रकार की बचत योजनाओं में निवेश करने का एक शानदार अवसर होगा और यदि आप शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप
उस क्षेत्र में भी बहुत अधिक सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। मित्रों, विशेष रूप से जून और जुलाई के महीने आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। तो मित्रों, यह थी वह चार राशियां जो नए साल में भाग्यशाली होने वाली हैं, जिन पर बेशुमार पैसा बरसने वाला है और तरक्की के मार्ग खुलने वाले हैं। मित्रों, अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिख सकते हैं, हम आपको आपकी राशि बताएंगे और आपकी राशि के बारे में जानकारी भी देंगे। मित्रों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही राशियों से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।